नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, और इसमें फंदे भी बहुत कम लगते हैं। इसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, चाहे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, पर्स, ब्लाउज में, किसी भी प्रोजेक्ट में इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए फंदों का कोई बंधन नहीं है, आप अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग कितने भी फंदे डाल सकते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद आप एक लाइन और बॉर्डर बनाएंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन बैक साइड से बनना शुरू होता है। तो हम बैक साइड में आ जाएंगे और अब अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे। ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और दूसरे कलर से, दूसरे रंग के ऊन से पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर शेष फंदे सीधे बुन लेंगे। सभी पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, सभी फंदा सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा उसे हम उल्टा बुन लेंगे। ये एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। और अब सामने से सेकेंड रो और फ्रंट साइड पहला फंदा सीधा बुन लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे से सीधा बुनने से ये उल्टे फंदों की एक धारी आ गई है। तो ये जो उल्टा फंदा है, हम इस फंदे के नीचे सिलाई डालेंगे। ऐसे देखिए, ये उल्टा फंदा है तो हमें इस फंदे के नीचे ऐसे सिलाई डालना है और एक सीधा फंदा बना लेना है। नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर से देखिए, ये उल्टा फंदा है तो हमें, जब हम नॉर्मली बुनाई करते हैं तो हम ऐसे सिलाई में, ये सिलाई में जो धागा रहता है इसी में हम ऐसे सिलाई डालते हैं और बुनाई करते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन में हमें ये जो उल्टा धागा है, उल्टा फंदा है, इसके नीचे सिलाई डालना होगा और एक सीधा फंदा बनाना होगा। अगला फंदा सीधा, उल्टा फंदा है, इसके नीचे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे, और अगला फंदा सीधा। दो ही फंदे का यह डिज़ाइन है, एक फंदा एक लाइन नीचे बनाएंगे और एक फंदा उसी फंदे में हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा एक लाइन नीचे से सिलाई डाल के तब सीधा बुनेंगे और अगला फंदा नॉर्मली सीधा बुनेंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक लाइन नीचे सिलाई डाल के हम सीधा बुनेंगे और अगला फंदा हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे। तो दो ही फंदों का ये डिज़ाइन है और इन्हीं दोनों फंदों को पूरी लाइन में हमें दोहराना है। एक फंदा एक लाइन नीचे जाके तब सीधा बुनेंगे और अगला फंदा नॉर्मली सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब ये हमारा थर्ड रो है, तो अब हम अपने पहले रंग का ऊन लेंगे और पहला फंदा उल्टा और शेष सभी फंदे सीधे बना लेंगे। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे।
फोर्थ रो और फ्रंट साइड। देखिए फ्रेंड्स, पिछली लाइन में यानी पिछली लाइन पहला फंदा सीधा बुनेंगे और पिछली लाइन में हमने दूसरे फंदे को उधाड़ा था, यानी एक लाइन नीचे जाके बुनाई की थी, सीधा बुना था। तो इस लाइन में इस फंदे को हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे और उसके अगले वाले फंदे को उसको एक सिलाई नीचे जाके तब सीधा बुनेंगे। अगला फंदा सीधा कि इस फंदे को हम एक सिलाई नीचे जाके सीधा बुनेंगे। पिछले फंदे में हमने दूसरा फंदा एक लाइन नीचे जाके सीधा बुना था और इस लाइन में यानी चौथे लाइन में हम तीसरा फंदा, फिर पांचवा, यानी विषम संख्या में जितने फंदे हैं उनको हम एक लाइन नीचे जाके सीधा बुनेंगे। देखिए ये विषम संख्या 3, 6, 9, 10वां फंदा हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे, 11वां फंदा एक लाइन नीचे जाके तब सीधा बुनेंगे, 12वां फंदा नॉर्मली सीधा बुनेंगे और ये 13वां फंदा है, यानी कि 8 संख्या में जितने भी फंदे होंगे उन्हें हम एक लाइन नीचे जाके तब सीधा बुनेंगे। जितने भी 8 संख्या के फंदे होंगे उसे एक लाइन नीचे जाके तब सीधा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन दोहरा लेंगे, एक फंदा नॉर्मली सीधा, एक फंदा एक लाइन नीचे जाके तब सीधा और लास्ट फंदा हमारा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर पांचवी लाइन में हम अपने दूसरे रंग का ऊन लेंगे, पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, शेष सभी फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट फंदा उसे हम उल्टा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब हम दूसरे रंग के ऊन से बुनाई कर ले रहे हैं तो पहला फंदा तो हमें एज स्टिच है, इसे सीधा बुनना ही है। दूसरे रंग के ऊन से जब हम बुनाई कर रहे हैं तो जितने इवन नंबर के फंदे हैं उन्हें हम एक लाइन नीचे जाके सीधा बुन रहे हैं। देखिए ये चौथा फंदा है तो इसे एक लाइन नीचे जाके तब सीधा बुनेंगे, पांचवें फंदे को नॉर्मली और छठे फंदे को एक लाइन नीचे आके सीधा। या फिर मैं आपको एक दूसरा टिप्स दे दूं तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब एक लाइन नीचे ये यहाँ पे देखिए ये ऐसे बना हुआ है, तो जिस जिस फंदे में ऐसे बना हुआ है उन्हीं उन्हीं फंदों को हमें एक लाइन नीचे जाके बुनना होगा और जिसमें नहीं बना है उसको हमें नॉर्मली बुनना है, यानी इस फंदे को हमें एक लाइन नीचे जाके तब सीधा बुनना है, इस वाले फंदे को हमें नॉर्मली सीधा बुनना है। देखिए यहाँ पे ये दो धागे ऐसे आए हुए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें एक लाइन नीचे जाके सीधा बुनना है और यहाँ देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, यानी कि यहाँ पे नॉर्मली सीधा बुनना है। यहाँ पे देखिए दो धागे दूसरे रंग के उनसे, यानी ये पहला जब हम ये दूसरे रंग का ऊन से बुनाई कर रहे हैं तो ये पहले रंग का ऊन हुआ, तो पहले रंग के उनसे यहाँ देखिए दो फंदे ऐसे आए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे हमें एक लाइन नीचे जाके तब सीधा बुनना है और इस फंदे में ऐसा नहीं है, यानी इसे हमें नॉर्मली सीधा बुनना है। एक फंदे को नॉर्मली सीधा बुनना है, अगले फंदे को एक फंदा नीचे जाके तब सीधा बुनना है। यहाँ देखिए यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, यानी कि इस फंदे को हमें एक लाइन नीचे जाके तब सीधा बुनना है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने पर ये आराम से बनता चला जाएगा। जैसे सीधा उल्टा बुनते हैं हम, वैसे ही हमें पूरे स्वेटर में बुनना है, दोनों तरफ से सीधे सीधे की ही बुनाई हो रही है। तो चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।